समर स्लैम 2013 में WWE के बेस्ट मैचेस में से एक मैच हुआ जो ब्रॉक लेसनर और सीएम पंक के बीच नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। ब्रॉक रिंग में आते हैं और फिर सीएम पंक शानदार एंट्री करते हैं। मैच की शुरुआत से ही ब्रॉक मैक्सिकन बैसे की तरह सीएम पंक पर हमला कर देते हैं और सीएम पंक का हाल बेहाल कर देते हैं। सीएम पंक ने वापसी की और लात घूंसे मार मार कर ब्रॉक का जबड़ा तोड़ दिया था और दो घुटनों से ब्रॉक को रिंग के बाहर कर दिया था। ब्रॉक ने रिंग के बाहर गाजर मूली की तरह सीएम पंक को फेंकना शुरू कर दिया था। ब्रॉक ने सीएम पंक को धोबी की तरह धोना शुरू कर दिया, पर सीएम पंक इतने हल्के फुल्के होने के बाद भी बहुत शानदार टक्कर दे रहे थे ब्रॉक को। सीएम पंक ने अपनी टांगों से ब्रॉक के जबड़े को और दिमाग को हिला डाला था और जब सीएम पंक गो टू स्लीप लगाने लगे तभी ब्रॉक ने कमोरा लॉक लगा दिया। सीएम पंक ने चेयर से ब्रॉक की पीठ का बाजा बजा दिया था, पर जब ब्रॉक F5 लगाने लगे तभी सीएम पंक ने पॉल हेमन की टाई पकड़ ली। सीएम पंक उतर कर गो टू स्लीप लगा देते हैं, पर पॉल हेमन मैच में इंटरफेरेंस करते हैं। सीएम पंक पॉल हेमन की पिटाई करते हैं, पर ब्रॉक पहले चेयर से सीएम पंक की पीठ तोड़ देते हैं, फिर उसी चेयर पर सीएम पंक को F5 लगा देते हैं और यह मैच अपने नाम कर लेते हैं।